हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल इट्स जी के गुरुजी में। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में लगे बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे कि आपको हमारी नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। दोस्तों, हमने एक नई ट्रिकी सीरीज शुरू की है जिसमें मैं आपको मैथमेटिक्स से रिलेटेड 100 से ज़्यादा ट्रिक्स बताऊंगा, जिससे आपको काफ़ी फायदा मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की ट्रिक को। आज की जो हमारी ट्रिक है वो सिर और पैरों पर आधारित जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं उन पर है। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, एक किसान के पास कुछ गाय व कुछ मुर्गे हैं। यदि सरों की संख्या 50 है तथा पैरों की संख्या 160 है तो किसान के पास गाय और मुर्गों की संख्या पता करें। हमें बताना है कि किसान के पास गाय की संख्या कितनी है और मुर्गों की संख्या कितनी है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो कुछ हमें दिया हुआ है उसे नोट करेंगे। जैसे सरों की संख्या हमें दी हुई है 50 और पैरों की संख्या है 160। अब हम सिर्फ इस पर ट्रिक अप्लाई करेंगे जिससे हमारा आंसर निकल जाएगा। जैसे ट्रिक हमारी है, जितने भी पैरों की संख्या है उसे आधा कर देना है, यानी 2 से डिवाइड कर देना है। इसमें से माइनस कर देना है जितने भी सरों की संख्या है। ये हमारी ट्रिक है, उम्मीद है आपको याद हो गई होगी। अब हम इसमें जो है वैल्यू पुट कर देंगे। जैसे पैरों की संख्या हमारे पास थी 160, इसे आधा कर देना है यानी 2 से डिवाइड कर देंगे। इसमें से माइनस करेंगे हम सरों की संख्या जो कि हमारे पास है 50। अब हम इसे काट देंगे, हमारे पास आ गया 80। 80 में से हम 50 माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 30। ये दोस्तों जो है हमारे पास आएगी वो होगी, जिस भी जानवर के ज्यादा पैर होंगे उसकी संख्या हमारे पास आ जाएगी। ये आ गई हमारे पास 30, यानी ये हमारे पास आई है गाय की संख्या। गाय की संख्या हमारे पास आ गई 30। टोटल जानवर थे हमारे पास 50, इसमें से अगर हम गाय की संख्या माइनस कर देंगे तो हमारे पास आ गया 20। ये होगी हमारे पास मुर्गों की संख्या, यानी हमारे पास गाय की संख्या आ गई 30 और मुर्गों की संख्या आ गई 20। अगर हमसे पूछा जाए कि टोटल जानवर कितने थे, तो हमारे पास टोटल जानवर पहले ही दिए हुए थे, कितने हैं 50 हैं। इस तरह से हमसे क्वेश्चन पूछ सकता है। अगर हमें वैल्यू चेंज करके दे दे तो भी इसी ट्रिक से निकल जाएगा। जैसे अगर हमें सरों की संख्या दे दे 40 और पैरों की संख्या दे दे 120, तो यही ट्रिक हमें अप्लाई करनी है दोस्तों। जैसे पैरों को हमें आधा कर लेना है, आप इसे माइंड में भी कर सकते हैं, पैरों को हमें आधा कर लेना है। पैर है हमारे पास 120, 120 का आधा करेंगे तो हमारे पास आ गया 60। 60 में से हमें क्या करना है, 40 यानी जो सर दे हुए होंगे उन्हें माइनस कर देना है तो हमारे पास आ गया 20, यानी जो गाय की संख्या है वो आ गई 20 और टोटल हमारे पास थे 40। तो दूसरे मुर्गों की संख्या है वो भी हमारे पास कितनी आ जाएगी, 20। इस तरह से हम इसे माइंड में भी कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में लगे बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे कि हमारी वीडियो का नया नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।